सबसे इम्पॉर्टेंट बात सर्स के मुंह से सुनो, क्या हुआ कल जब मैंने हम लोग दोनों ने हमारी गाड़ी पार्क किए थे एक रेस्टोरेंट के पास। ओके, तुम लोगों को सुनते हैं। गाइज वेलकम गाइज, अभी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। सर आपका जो सर का एक तकलीफ हो रहा था, तो सर के मुंह से ही सुनते क्या तकलीफ हो रहा था, तो फिर मैं आप लोगों को बता पाऊंगा। एक्चुअली जो मेरी TVS है ऑलमोस्ट वो 8 years ओल्ड है एक्चुअली। तो जब मैं 80 और 90 क्रॉस कर रहा था तो बॉडी शेक कर रही थी और वाइब्रेशन बहुत तगड़ा आ रहा था। तो मुझे पहले लगा कि शायद ये टायर का प्रॉब्लम, बिकॉज मेरा जो टायर है थोड़ा पतला है और जो नया आ रहा है उसका थोड़ा चौड़ा है टायर। तो गाइज बेसिकली एक्चुअली क्या है, तो मैं यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो इनको 90 के ऊपर वाइब्रेशन आ रहा है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन, क्योंकि ये इन्होंने अभी ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर चला लिए है। जब मैं मैसूर गया हुआ था, जब मैंने अप डाउन 135 किया था, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन था। देखो सर, वाइब्रेशन का जो मेजर रीज़न है मैं तुम लोगों को भी बोल देता हूँ, बिकॉज दिस इज ए फर्स्ट थिंग इज आपका जो है वो BS4 इंजन है और हमारा BS6 इंजन है, ठीक है। और एक जो चीज़ मेजर जो आया हुआ है BS6 इंजन के साथ साथ होते हुए, जैसे कि मेजर रीज़न यही है, इनके गाड़ी में कार्बोरेटर नहीं है, हमारे गाड़ी में फ्यूल इंजेक्शन इंजन है। ओके, सो दीज आर द मेजर फ्यू थिंग्स। और रॉयल इनफील्ड ने जो इस बार अभी निकाला है, जो हम लोग बोलते हैं ना 90, आप चलाइएगा तो आपको पता चलेगा 90 के ऊपर आपको वाइब्रेशन नहीं होती है। तो जो लोग भी मेटियो देख रहे हो तो खुद ही सुन लियो, एक्चुअली लिटरली बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इट्स लाइक 90 प्लस के ऊपर, जैसे यू कैन नॉट सस्टेन फॉर इवन ऑलमोस्ट 30 सेकंड आल्सो, दैट्स द कंडीशन। आपको 90 पे तुरंत नीचे आपको आना, 80 आपको टच करना इमीडिएटली करना ही पड़ेगा। 100 तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप बहुत देर तक ड्राइव कर सकते हो, बिल्कुल सोच ही नहीं सकते उस पॉइंट। एग्जैक्टली गाइज, और एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है मैं आप लोगों को बोलना भूल गया था, मेरा बाइक कल जब मैंने पेट्रोल डाला था तो मेरी बाइक मैंने चेक किया था, इनकी बाइक माइलेज दे रही है ऑलमोस्ट 43-45 के बीच, लेकिन मेरा बाइक मेटियोर माइलेज दिया है 32। ओके, लिटरली 32 आई हैव गॉट। ओके, तो फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये देखो हमारा बाइक का टायर थोड़ा सा मोटा है, इनका बाइक का टायर थोड़ा सा पतला है, तो इसके लिए माइलेज का थोड़ा सा फैक्टर होता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ओके, मेरे गाड़ी में ऑब्वियसली लीना भी डबल पिलियन है, लीना भी बैठी हुई है, अनदर 60 kg, अनदर 55 kg, साइड में मेरा दो लगेज भी है, दैट ऑलमोस्ट समय अराउंड 40-50 kg, तो ऑब्वियसली तो घूम फिर के मोटा मोटी ज़्यादा तो हो ही जा रहा है। मतलब जितना वेट गाड़ी पे आ गए तो गाड़ी ऑब्वियसली थोड़ा सा खींचेगा। तो क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था इसके पहले गाइस, एक्चुअली जब मैंने पेट्रोल डाला था डे बिफोर यस्टरडे, तो मेरा गाड़ी सिटी में मुझे माइलेज मिला था ऑलमोस्ट 40.33, क्योंकि मैंने फुल टैंक किया था। फिर कल भी मैंने फुल टैंक किया, तो फिर जब मैंने कैलकुलेट किया मुझे कल लगा कि फिर भी मेरा गाड़ी 1 liter ज़्यादा मैंने पेट्रोल डाला था। एक्चुअली कल मैंने मुझे लगा कि मैंने 1 liter ज़्यादा ही पेट्रोल डाला था, तो इसलिए टॉप अप के लिए मुझे लगा कि मैं थोड़ा कल 1.5 liter ज़्यादा ही डाला होगा, तो इसीलिए मेरे ख्याल से मेरा गाड़ी अभी 34-35 तक दे रही है, उससे कम नहीं उससे ज़्यादा नहीं मिला, दैट इज़ फॉर श्योर। तो 34-35, तो इसका मतलब विथ पिलियन विथ लगेज एंड एवरीथिंग, तो 34 तक विल मेक द डिफरेंस। और इनका गाड़ी में ये सिंगल थे तो इनको मिला है 43, दैट इज़ अ वेरी गुड वन एक्चुअली। 43 On Royal Enfield is very good. Very good, yaar. Very good. And when you are driving at a high speed also, 80 plus आप drive कर रहे हो continuously. हाँ हाँ. तो और 75-80 आप drive कर रहे हो continuously, तो 43 is a very good number you have. Very good. Hey guys, और जाते guys सबसे important बात सर्स के मुंह से सुनो, क्या हुआ कल जब मैंने हम लोग दोनों ने हमारी गाड़ी पार्क किए थे एक रेस्टोरेंट के पास। ओके, तुम लोगों को सुन के, जो लोग भी मेटियोर ले रहे हो तुम लोगों को सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी गाइस। सर पूरा कैमरा आपके तरफ है, बोलिए मेरे व्यूअर लोग। एक्चुअली क्या, हम लोग चाय पी रहे थे सर, एज यूजुअल कॉफी पी रहे थे, मैं लेमन टी पी रहा था, सडनली एक पर्सन आया, उसने बोला कि सर वो क्या आप लोग की बाइक है, तो बोला हाँ, तो बोला कि सर वो मॉडिफिकेशन बहुत अच्छे लग रहा है, और स्पेशली जो मीटियोर्स में सर ने जितने मॉडिफिकेशन किए थे दे आर लाइकिंग लाइक एनीथिंग। उन्होंने कहा कि सर, फिर प्राइस पूछा सर से, मॉडिफिकेशन कहाँ कराया आपने, और आप मॉडिफिकेशन पे और अगर कुछ जानना हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि सबसे अच्छा सर का चैनल ही सब्सक्राइब कर लो, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू, एटलीस्ट विल कीप ऑन टेलिंग यू व्हाट इज रिक्वायर्ड। एंड उस बंदे ने एक चीज देखा और बोला कि सारे मॉडिफिकेशन को बहुत पसंद है, और मॉडिफिकेशन किसी भी बाइक का फॉर अ लॉन्ग ड्राइव इज अ मस्ट, एक्चुअली यू कैन नॉट निगेट।
हेट दैट एक्चुअली. गाइस आप लोगों को मेन बताने का रीजन ये था कि आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मेरे बाइक में मॉडिफिकेशन. मैंने सर से इसलिए क्यों बोलवाया क्योंकि जब ये लिटरली हम लोग के साथ कल हुआ, जब हम लोग कूर्ग में बैठे हुए थे, पूछा कि हम मेरे पास है कि बाइक कैसा है सर, माइलेज कितना देख रहे हैं आपका, मतलब इट्स लुक रॉयल एक्चुअली प्रीमियम राइट. सो दैट इज द थिंग. तुम लोग जो लोग भी मेटियो 350 लियो, बिंदास जाके मॉडिफिकेशन करो और प्रॉपरली करो, देख के अच्छा लगना चाहिए. सर मैं पॉइंट ऐड करूंगा, हाँ. मैंने भी बाइक में 2-3 ऐसे मॉडिफिकेशन जो सर के कहने पे किया है. एग्जैक्टली हाँ. Exactly. पहले मेरे बाइक में मॉडिफिकेशन नहीं था, बाद में जब सर को मैंने देखा सर की मीटियोर मैंने चलाई, मैंने कहा कि नहीं ये मॉडिफिकेशन मस्ट है बाइक के अंदर आपको लॉन्ग ड्राइव करने के लिए, अदरवाइज लॉन्ग ड्राइव एक प्रॉब्लम हो जाएगा. और एक चीज लॉन्ग ड्राइव के लिए मैं छोटा सा चीज बोलना चाहूंगा, इसी ब्लॉग में घुसा देता हूँ छोटा सा पोर्शन में, कि जब तक लॉन्ग ड्राइव तब तक मत करना जब तक आपके गाड़ी में सारे एसेसरीज फिट हो. करेक्ट, बिना उसके मत करना, नहीं तो आपका मतलब बहुत बड़ी लगने वाली है. मैं सिंपल सी बोल रहा हूँ क्योंकि अब जैसे मेरे गाड़ी में मैंने सैडल बैग, पैनियर्स, मैं सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो. बिंदास वही चीज़ें आप लगाना, मोबाइल होल्डर, बस बिंदास लगा को फिर ड्राइव स्टार्ट कर दो. यही सारे ब्लॉग हम लोग बनाते हैं आप लोगों के लिए. थैंक्स फॉर योर सपोर्ट. चैनल को इसी तरह से लाइक करते रहो, सपोर्ट करते रहो, ठीक है. गुड नंबर. तो गाइज इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए आपने मेरा अभी तक यदि कुर्क वाला एपिसोड नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो, तो आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा, ठीक है. और इस तरह के एपिसोड देखने के लिए, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे रेड बटन को दबा के जाइए. और कुछ भी डाउट है मेरे को क्वेश्चन पूछो, मैं आप लोग को जवाब दूंगा, ठीक है. तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी या, मिलते हैं और किसी ब्लॉग में. ओके बाय बाय.